जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारे पास आज इनोवा क्रिस्टा टोयोटा कंपनी की गाड़ी आई है। तो आज आपका हमारी नई वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो हम आज आपको इसमें बताएंगे फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड, इसमें फ्रेंड पिकअप का प्रॉब्लम है। इसमें गाड़ी रनिंग में चलते चलते चेक लाइट आ गया है, देख सकते हैं। देखिए पिकअप पे कंटिन्यू चेक लाइट आता है, ये देख सकते हैं। तो चेक लाइट आने के कारण क्या है प्रॉब्लम फ्रेंड, जो चेक लाइट आने की वजह से इसका जो पिकअप है वो लो हो गया है। सबसे पहले तो हम स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करके इसका चेक करेंगे कि चेक लाइट किस कारण की वजह से आया है रनिंग में। तो हम आपको बताएंगे और उस फॉल्ट को क्लियर करके जो कस्टमर का कंप्लेन है उसे सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं आप, हमारी गाड़ी स्टार्ट है। हमारे गाड़ी में मिसिंग विशिंग का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पिकअप का प्रॉब्लम है। देखिए हम फिर बंद करते हैं, देखिए फिर चालू करते हैं। चेक लाइट जो है कंटिन्यू मीटर पे है, ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम सबसे पहले इसको स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि ये रनिंग में चेक लाइट क्यों आया है और किस कारण से आया है और हमारा पिकअप लो क्यों हो रहा है। तो अब हम आपको स्कैनिंग लगाते हैं, स्कैनर लगा के आपको उसका फॉल्ट कोड बताते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसका स्कैनर लगाया है और स्कैनिंग कर रहे हैं, इसको क्लियर कीजिए ना। ट्राई करते हैं, वो भी करता हूँ क्लियर। नहीं चालू करो अभी। तो फ्रेंड हम अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, हमने इसका फॉल्ट कोड क्लियर किया है। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा फॉल्ट कोड क्लियर हो चुका है। ये एयरमाई सेंसर है, इसका फॉल्ट आ रहा है। तो हम गाड़ी को रनिंग करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि फिर से फॉल्ट कोड आता है क्या। तो एयरमाई सेंसर हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम ये सेंसर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इसका वायरिंग चेक किया है, देख सकते वायरिंग किधर कटा नहीं है। कटा उटा रहता तो हमारा फॉल्ट कोड क्लियर नहीं होता, हमारा फॉल्ट कोड भी क्लियर हुआ है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, हमने इसका स्कैनिंग कर दिया है, हमारा चेक लाइट भी चला गया है। तो अभी हमने इसका फॉल्ट कोड क्लियर किया है, तो हमारा चेक लाइट चला गया है। तो हमारा स्कैनिंग में एयरमाई सेंसर का फॉल्ट आ रहा था। तो फ्रेंड ये प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि जैसे हम गाड़ी 80-90 के स्पीड में जाएंगे तो हमारा चेक लाइट फिर से चलाएगा। तो हमें इसका एयरमाई सेंसर रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं, अभी फिलहाल कोई लाइट वाइट नहीं है। हम फिर से बंद करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये चालू कर देगी, ऑटोमेटिक हमारा चेक लाइट चला जा रहा है। तो हम इसका एयरमाई सेंसर रिप्लेस करेंगे ताकि आगे चलकर कस्टमर को रास्ते में कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एयरमाई सेंसर की वजह से क्या होता है, पिकअप लो हो जाता है, पूरा पिकअप तोड़ देता है। तो इसके वजह से हम इसका एयरमाई सेंसर रिप्लेस करेंगे, आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे। अभी हम इसका एयरमाई सेंसर ओपन करने जा रहे हैं, हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। फ्रेंड हम इसका एयरमाई सेंसर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं इसमें दो स्क्रू आता है प्लस का, वो हमने ओपन करके रखा है। तो हम इसका एयरमाई सेंसर बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के थोड़ा इसको साफ़ करके उसके बाद फिट करेंगे, फिर एक बार चेक करेंगे। अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। एयर फिल्टर भी साफ कीजिए, दोनों चीज़ को फ्रेंड हम हवा मार के क्लीन करके उसके बाद फिर एयरमाई सेंसर को फिट करेंगे। फिट करके उसको चेक करेंगे कि हमारा जो फॉल्ट कोड है क्लियर, उनका प्रॉब्लम जो पिकअप का सॉल्व होता है कि नहीं। एयरमाई सेंसर का तो फ्रेंड प्रॉब्लम है ही है, फिर भी हम एक बार इसको साफ़ करके लगाते हैं गाड़ी में, उसके बाद एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अगर उसके बाद भी हमारा चेक लाइट आया तो हम चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, और नहीं आया तो हम इसे फिट करके कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। जो फ्रेंड इसके अंदर कचरा था, ये जो देख रहे हैं, ये जो इसमें जो कार है इसके अंदर पूरा कचरा भरा हुआ था। तो हमने इसको पूरी तरह से क्लीन किया है। तो क्लीन करके क्या होगा, अगर इसमें कचरा आएगा तो जो कनेक्ट होता है, देखिए जिससे कनेक्ट होना चाहिए तो कनेक्ट नहीं होगा बराबर से, तो कर करेगा बराबर से करेंट इसको मिलेगा नहीं। उसको पूरा कचरा था, हमने इसको पूरी तरह से साफ किया है। तो साफ करके उसके अंदर हम फिट करेंगे, फिर करके चेक करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं, तो
फ्रेंड हमने इसको हवा मार के पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, अब हम इसको फिट करेंगे। तो फ्रेंड हमने इसको पूरी तरह से एकदम क्लीन कर दिया है, अब हम इसको फिट करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब हमने इसका बैटरी वायर ओपन किया था, इसको आज सुबह ओपन करने के लिए हम अब इसका बैटरी वायर लगाएंगे। चलिए बैटरी वायर लगाइए, देख सकते हैं ये हमारे गाड़ी के कस्टमर जी है, तो अब हम इनके साथ एक टेस्ट ड्राइव लेंगे। देख सकते हैं अब हम इसका टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं, हमारे गाड़ी के कस्टमर जी है, हम इनके साथ में ले रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम रहे सामने आए। ठीक है, तो अब इसका हम टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसका चेक करेंगे कि फिर से हमारा चेक लाइट आता है कि नहीं रनिंग में। अभी तक तो हमारा चेक लाइट नहीं आया है, चेक लाइट तो नहीं आया है, लेकिन हम पिकअप के बारे में गाड़ी के जो मालिक है उससे बात करेंगे। तो पिकअप कैसा है? पिकअप डाउन हो गया है। डाउन हो गया है ना? हाँ। तो आपने सुना जैसे कि पिकअप बोल रहे अभी भी लो है, तो चेक लाइट तो नहीं आया है तो, लेकिन पिकअप लो है तो हम इसका एयरमाई सेंसर जो है वो रिप्लेस ही करेंगे क्योंकि पिकअप में प्रॉब्लम है करके। फिर से हम इसको गैरेज पे गाड़ी लेके जाएंगे, इसका एयर माइलेज सेंसर ओपन करेंगे और उसे रिप्लेस करके देंगे और फिर से एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, क्योंकि अभी देख सकते हैं चेक लाइट मीटर कुछ नहीं है लेकिन पिकअप में अभी बोल रहे हैं कि पिकअप लो है करके। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने इसका लेफ्ट सेंसर जो अरेंज कर लिया है, देखिए टोयोटा का जेन्युइन पार्ट है ये, इसका मैप सेंसर है नया वाला। ठीक है, और ये इसका जूना इसमें फिट है, तो हम आपको इस ये फिट करके दिखाते हैं। ठीक है, कि हमारा जो पिकअप का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड हम इसका बैटरी वायर ओपन करेंगे, पर फ्रेंड हम डिसकनेक्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, कभी भी किसी भी सेंसर को रिप्लेस करने से पहले उसका बैटरी वायर डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा जूना वाला है, ये हमारा नया वाला है, हम इसे अब रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड हमने इसका मैप सेंसर रिप्लेस कर दिया है, अब इसका हम बैटरी वायर लगाएंगे और लगाकर उसे स्टार्ट करके चेक करेंगे। अब हम स्टार्ट करके चेक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा चेक लाइट चला गया है मैप सेंसर रिप्लेस करने के बाद। तो हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे और जो हमारा पिकअप का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं उसे भी चेक करेंगे। तो ये गाड़ी हमारी टेस्ट ड्राइव करके आ गई है, तो अब हम इनका राय जानते हैं, ये गाड़ी के मालिक ओनर है। तो सर जी अभी कैसा है गाड़ी? अभी टकाटक पिकअप सब मस्त है। चेक लाइट आपका चला गया अभी कोई प्रॉब्लम नहीं ना गाड़ी में? ठीक है, तो ये इनका राय था हमारे गाड़ी के मालिक जी का। तो ये हमारा जो गाड़ी था पिकअप प्रॉब्लम का वो सॉल्व हो चुका है, इसमें हमने मैप सेंसर रिप्लेस किया है। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं इनोवा क्रिस्टा है, पिकअप का बहुत प्रॉब्लम था इस गाड़ी में, तो हमने इसका मैप सेंसर जो आता है वो रिप्लेस किया है और मैप सेंसर रिप्लेस करने के बाद हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ओके।